रूस यूक्रेन जंग के बीच खड़ा हुआ भारत, क्या रूस अब शांत हो जाएगा? जयशंकर ने की यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात, क्या अमेरिका अब जल फूंक जाएगा? जिस जंग को चीन अमेरिका न रोक सके, क्या उसे भारत रोक पाएगा? यह है भारत के विदेश मंत्री और पीएम मोदी के हनुमान, नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर वो है जिनका फैन न केवल भारत की सीमा में आतंकियों के घुसपैठ कराने वाला पाकिस्तान है, बल्कि दुनिया में खुद को सुपर पावर बताने वाला चीन भी है। लेकिन इस वक्त दुनिया के एक कोने में जंग चल रही, जिससे न केवल उन दो देशों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, बल्कि दुनिया को भी बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। और अब उसी जंग को रोकने के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चर्चा की। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने G20 समिट में भाग लेने से साफ मना कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात कर दुनिया में तहलका मचा दिया। इस मीटिंग का टारगेट था रूस के साथ यूक्रेन जंग को कैसे खत्म किया जाए और फिर क्या था, इस पर खास तौर से चर्चा हो गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम, परमाणु चिंताओं पर भी विचार विमर्श किया। जयशंकर ने कंबोडिया की राजधानी नामपेन में आसियान भारत शिखर सम्मेलन से अलग दिमित्री से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें बताया कि यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात करके खुशी हुई, हमारी चर्चाओं में हालिया घटनाक्रम के संघर्ष, अनाज निर्यात की पहल और परमाणु चिंताएं शामिल थी। इसके तुरंत बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर भारतीय समकक्ष के साथ चर्चा की। मैं और जयशंकर आपसी सहयोग और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिले। मैंने इस बात पर बल दिया कि रूस को तुरंत घातक हमले को रोकना चाहिए, यूक्रेन से भी सभी सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए और शांति के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया। वैसे अगर बात करें तो इस जंग को लेकर भारत ने शुरू से ही शांति की अपील की, रूस के साथ भी भारत ने शांति की राह बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भी रूस से यही बात कही थी कि जंग से कोई हल नहीं निकलता, शांति के साथ मुद्दे का हल होना चाहिए। खैर, एक तरफ जहां भारत का दिल यूक्रेन में शांति कायम करना है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पक्के यार और भरोसेमंद साथी रूस का भी साथ नहीं छोड़ना चाहता। आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस की कमर पूरी तरह से टूट चुकी, दुनिया में भारत ने खुद को मजबूत बनाया, चाहे वो बात आर्थिक नीति की हो, विदेश नीति की हो। आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।